ओम शांति। सभी ब्राह्मणों की, योगी आत्माओं की बहुत ऊंची स्थिति है कि सभी परिस्थितियों में, आपदाओं में मनोरंजन का अनुभव हो, और ये स्थिति है मास्टर क्रिएटर की। आपदाएं तो आएंगी, भूकंप होंगे, गृह युद्ध होंगे, और भी बहुत सारी आपदाएं आएंगी, जल सब कुछ अपने में समा जाएगा, कहीं अग्नि सब कुछ जलाकर नष्ट करने लगेगी, लेकिन जिन्हें ये याद रहेगा कि ये सब प्योरिफिकेशन का समय है, परिवर्तन का समय है, एक चीज जाएगी दूसरी अच्छी चीज आने वाली है, हम मास्टर क्रिएटर हैं, और एक तरह से विनाश ज्वाला भी इस रुद्र यज्ञ से ही प्रज्वलित होती है, अर्थात विनाश के निमित्त भी हम सब का योग बल ही बनता है, जो शंकर के लिए प्रसिद्ध है कि उसने तीसरा नेत्र खोला या तांडव नृत्य किया तो इस सृष्टि पर महाविनाश होने लगा। तो हम सभी योगी आत्माएं जब अतींद्रिय सुख में निरंतर नृत्य करते रहेंगे, जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल जाएगा और सदा ही खुला रहेगा, अभी वो कभी कभी बंद हो जाता है, तब इस सृष्टि पर ये विनाश लीला का खेल चलेगा। भगवान के शब्दों में ये खेल है और मनुष्यों के लिए ये महान आपदा का समय होगा। हम भी इसे खेल की तरह देखेंगे कि परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो अभी से बहुत अच्छा अभ्यास करें परिस्थितियों में अपने को एक रस और साक्षी स्वरूप में रखने की प्रैक्टिस करें। परिस्थितियां आएंगी, याद रखना है वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, नथिंग न्यू, वही हो रहा है जो होना है, ऐसी ज्ञान स्वरूप स्थिति हम रखेंगे, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र हम खोल कर रखेंगे, तो ये सब कुछ हमें मनोरंजन लगेगा। हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, राजाएं हाथियों की लड़ाई कराया करते थे और वो उनके लिए मनोरंजन होता था, क्योंकि वो उनसे अपने को अधिक पावरफुल समझते थे, क्योंकि वो अपने को मालिक समझते थे। हम भी यदि स्वराज्य अधिकारी के नशे में रहेंगे और अपने को मास्टर क्रिएटर समझेंगे, बहुत बड़ा ये स्वमान है, इसको गहराई से समझना है कि हमारे पास क्रिएटिव एनर्जी है, हम भी मास्टर ब्रह्मा हैं और हम इन परिस्थितियों से बहुत अधिक पावरफुल हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हैं, ऐसी खुमारी में रहने वाले ही इन आपदाओं को मनोरंजन के रूप में देखेंगे। तो हम सभी को अब बहुत कुछ देखना है इस सृष्टि पर, हम स्वयं को आने वाली महान आपदाओं के लिए भी तैयार करें, जिसमें हमारा मेरापन है वो सब कुछ जाएगा, इसलिए पहले ही कर दें, ये मेरा नहीं ये तेरा है, प्रभु अर्पित कर दें, तो जब जाएगा तब हमें कोई भी कष्ट होगा नहीं, हम बहुत आनंद की स्थिति में रहेंगे, सारा दिन अभ्यास करेंगे। जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है, कुछ ही समय के बाद वो सब कुछ नहीं रहेगा, ये माया के पॉम्प शो वाली चमकती हुई दुनिया अब समाप्त होकर स्वर्ग की नई दुनिया इस वसुंधरा पर आ जाएगी। एक दिन वो भी आएगा कि ये धरती बहुत ज्यादा खाली हो जाएगी। इस तरह का चिंतन करते हुए अभ्यास करेंगे कि मुझे तो ये सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है और फिर देवता बनकर नीचे आना है,
तो देवता बनकर अपने को उतरते हुए देखेंगे और फरिश्ता बनकर घर की ओर जाते हुए हर घंटे में एक बार ये सुंदर प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। ओम शांति।